बताइए क्या चांद से भी ज्यादा कोई अहम रिश्ता है? नहीं है। पर मेरे रब का कुरान कहते हैं वैसे तो कायनात में जान से ज्यादा अहम रिश्ता कोई नहीं, पर हां एक रिश्ता है। ए मेरे रब्बे कदी तू बताओ ये जान से ज्यादा प्यारा रिश्ता कौन सा है? मेरा रब फरमाता है अल नबीयो औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। ओए वैसे तो सबसे जान का होता है, लेकिन मेरा नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा प्यारा है। वैसे तो कायनात में सबसे क्लोज रिश्ता जान का होता है, लेकिन रब फरमाता है कि जब बंदे के अंदर ईमान आ जाए, बंदे के अंदर ईमान आ जाए, फिर उसका मेरे यार से रिश्ता जान से भी जिसका माना बनता है नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा उनका करीब है, और दूसरा माना बनता है अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। अकरब के बाद माना बनते हक, अब माना बनेगा मेरा नबी मोमनों की जानों से भी ज्यादा हकदार है। यानी कायनात के अंदर जो कुछ किया जाता है जान के लिए, और इस्लाम ने भी हमारी तरबियत की है नमाज पढ़ो, पर जब जान जा रही हो भाई बोलना है बोलते नमाज पढ़ो, लेकिन जान जा रही हो वुजू करना पड़े, चल वुजू को छोड़ तयम्मुम कर, अगर फिर भी जान जा रही है नमाज मुअक्खर है, जान जा रही है रोजा मुअक्खर है, जान जा रही है हज मुअक्खर है, जान जा रही है बाकी इबादात मुअक्खर है, मालिक क्यों? फरमाया जान तेरी कीमती है, ये बाकी जितनी भी इबादतें हैं रियाजतें हैं अकाम हैं इनका दर्जा बाद का है, तेरी जान का दर्जा पहले है, तेरी जान का दर्जा ऊपर है, जान तेरी कीमती है बाकी चीजें बाद में, तेरी जान पहले। अब मामला नबी का आया, सुभान अल्लाह नबी से आया, अब मामला जब नबी का आया, नबी की जात का मामला, नबी की इज्जत का मामला, नबी की नामूस का मामला, ऐसा जब नमाज के लिए जान जा रही थी तो नमाज मुअक्खर हो गई थी, रोजा माफ हो गया था, हज माफ हो गया था, अब नबी आ गया, इधर जान है उधर नबी है, अब क्या करूं? फरमाया पहले जान बचाने का हुक्म दिया था, जब मसला नबी का है वहां जान बचानी नहीं वहां जान लुटानी जरूरी है। जब मसला नबी का जाए वहां जान बचाना नहीं, ऊंचे बोलने वहां जान बचाना नहीं वहां जान लुटाना जरूरी है, इसलिए कुरान का अजली अबदी और दायमी हुक्म आ गया अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। मेरा नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा उनके करीब है। अब ये मफहूम में मेरे नबी के सहाबा ने सिखाया, उन्होंने समझाया, अब आओ हम तुम्हें लेके चलते गे एक गार के अंदर, एक गार के अंदर एक अल्लाह का हबीब है, एक हबीब का सिद्दीक है, और मैं आपको गारंटी से कहता हूं जो सच्चा आशिक़ रसूल होगा वो सिद्दीक अकबर के नाम पे भी उसके चेहरे पे रौनक आएगी, अली के नाम पे डबल रौनक आएगी। ठीक है यार का जिक्र आए तो डंडे की चोट पे कहे हाथ, और जब रसूल के खानदान का जिक्र आए तब भी सीना तान के कहे हक है, तो फिर मुझे कहने दे सिद्दीक की सदाकत हक है, उमर की अदालत हक है, उस्मान की सखावत हक है, अली की शुजात
और रसूल की आल की तहारत। मेरे आका सोने आका प्यारे आका घर के अंदर मौजूद है, घर का मेरे नबी का साथी सिद्दीक है। रात के वक्त एक पहर ऐसा आया कि एक मूजी मूजी घर के अंदर दाखिल होना चाहता है। जनाबे सिद्दीक अकबर का पांव आगे ये जो मूजी है ये जहरीला सांप है। अब मूजी की ख्वाहिश ये कि अंदर जाए, अंदर दाखिल हो। सिद्दीक अकबर का पहरा है कि नाना कोई मूजी नबी के करीब ना आ सके, कोई जहरीला नबी के करीब न भटक सके, कोई जहरीला नबी के करीब न भटक सके। चुनाचे उस जहरीले सांप ने एक डंग मारा, जनाबे सिद्दीक को पता लग गया कि अभी जहरीले 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 ने अपना जहर मेरे जिस्म में मुंतकिल कर दिया है। अब मेरी जान जाने का वक्त आ गया है। उधर उधर ईमान बोला सिद्दीक, अगर तूने पांव हटाया क्या पता ये सरकार की तरफ आ जाए, अब क्या किया जाए। मेरे रब के कुरान की आयत अबूबकर, अब जान तेरी पे बनी हुई है। अब नबी यो औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, ऐ मेरा नबी तेरी जान से भी ज्यादा तेरा करीबी है। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों तवज्जो फरमाना, ज़हन हज़र सबको एक जुमला अपने पल्ले बांध लो। मेरे रब को नमाज भी बड़ी पसंद है, मेरे रब को रोजा भी बड़ा पसंद है, मेरे परवरदिगार को आज ज़कात सोम सलात जितनी भी इबादतें हैं मेरे अल्लाह को बड़ी प्यारी लगती हैं। लेकिन सुन लो लोगों, मेरे रब को सबसे ज्यादा प्यारा, सबसे ज्यादा प्यारा अमल अपने नबी की ज़ात और नमूस की हिफाजत वाला लगता है। तवज्जो है जी सब की सब। जनाबे सिद्दीक ने वो रात गुजारी, वो एक दिन शाम रात गुजारी, इस पूरे टाइम में मेरे आका सिद्दीक अकबर की नजरें किधर लगी रही? या हुजूर का चेहरा तकती थी ये लगाएं, या गार के दाने को देखती थी। और चलते हुए जब मेरे आका सिद्दीक अकबर मेरे रसूल की मैयत में चले ना मक्के से मदीने की तरफ, तो दौड़ दौड़ के कभी आगे आ जाते कभी दौड़ के पीछे। मेरे नबी ने फरमाया ये क्या कर रहा है तू, कभी आगे आता कभी पीछे। जनाबे सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आज की या रसूल अल्लाह, मैं आगे जाता हूँ दिल में ख्याल आता है कहीं पीछे से कोई दुश्मन आप पे हमला ना कर दे, मैं दौड़ के पीछे आ जाता हूँ कि हमला आप पे हो मेरी जान आगे ढाल बन जाए। हुज़ूर फिर ख्याल आता है कहीं आगे कोई ना आ जाए, मैं दौड़ के आगे आ जाता हूँ, इसीलिए कभी आगे कभी पीछे। जनाबे सिद्दीक गार के अंदर, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि इस रात को मेरे रसूल के ग्यारह गार सिद्दीक ने कितने तहज्जुद पढ़े थे? छक्का नहीं मारना, हवाला देना। पूरी रात कितना चेला लगाया था, कितनी देर जनाबे सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सजदे पे सजदा किया है? अबू बकर आज की तहज्जुद किधर गई? आज यार के चेहरे की ज़ियारत ही आज की इबादत है। हाय हाय हाय, आज की तिलावत इस कुरान की है। और एक शायर ने एक हद कर दी और उसने जो एक कलाम लिखा, वो कहता है कि दुखे मुस्तफा वो किताब है जो मोहब्बतों का निसाब है, जो मोहब्बतों का निसाब है, ये पेशे नजर रहे हरदम, ये पेशे
जी हर दम ये पेश नजर रहे, सुबह शाम इसी में पड़ा करूं सल्ले अला। सारी हाजिरी जो मेरे नबी मुकर्रम के साथ गार के अंदर लगी, गार के अंदर जनाबे सिद्दीक ने पूरे का पूरा टाइम मेरे नबी की हिफाजत में गुजारा। मेरे दोस्तों अंदर सिद्दीक की हिफाजत का पहरा, इधर गार के अंदर, गार के अंदर सिद्दीक, गार के बाहर एक परिंदा, एक परिंदा, एक कबूतरी आकर अंडे दे रही है, एक मकड़ी आकर जाला बन रही है। तवज्जो है कि नहीं? कायनात में सबसे कमजोर चीज क्या है? मकड़ी का जाला। और ये मैं नहीं कहता, कुरान की सूरतुल अनकबूत के अंदर अल्लाह ताला ने यही बयान फरमाया। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि सबसे कमजोर, नरम, सबसे कच्ची चीज क्या है? मकड़ी का जाला। मेरा रब कयामत तक आने वाले अपने यार के बेअदबों और गुस्ताखों को बताना चाह रहा था कि जहां मोमिनों की आहनी दीवारें हो वो तो और शे है, मुमताज कादरी का चौड़ा सीना हो वो तो और शे है। या सुभान अल्लाह की सदा आनी चाहिए। गाजी आमर चीमा के जज्बे हो वो और चीज है, गाजी मुरीद हुसैन के ईमान की मजबूती हो और चीज है, गाजी इल्मुद्दीन की जज्बात ईमानी से लबरेज जात के जज्बात का वो पापन हो और चीज है, खालिद बिन वलीद की तलवार और चीज है, अली उल मुर्तजा की शुजाअत और चीज है। और जब मैं पहरा लगवाने पे आऊं अपनी ना अपने महबूब की जात की हिफाजत करवाने पे आऊं जिसे तुम सबसे कमजोर समझते हो, मैं उसी मकड़ी से भी अपने यार की हिफाजत करवा सकता। एक दिन मेरे सोने मदनी करीमा का अपनी सोच है मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका सलाम अल्लाह अलैहा कसीरन 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 कसीरा, सैयदा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका सलाम अल्लाह अलैहा कसीरन कसीरा की हमराही में मेरा नबी रात के वक्त आसमां के सितारे देख रहे हैं। इतने में मेरे नबी की प्यारी बीवी मोमिनों की मां ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह आसमां पर ये जितने, तवज्जो, ये जितने, ये जितने, ये जितने सितारे हैं क्या इतनी नेकियां भी किसी की हैं? मेरे नबी ने फरमाया हाँ। मेरा आपसे सवाल, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, हाँ ना जब करोगे ना उससे पहले कुछ एक चीज सवाल इंशाल्लाह मसला समझा दूं। मैं आपसे पूछता हूं, जितने ये फूल हैं, इतने हजार रुपया किसी की पॉकेट में है? दो जवाब, हाँ करो या ना, कर सकते हो हाँ या ना? नहीं, क्यों? कि तुम्हें इनकी तादाद का ही पता नहीं है। आप हाँ या ना उस वक्त कर सकते हो जब आपको पहले ये पता हो कि ये कितने, इसका मतलब है कि हाँ या ना बाद में होगा, पहले इन्हें गिना जाएगा। और इतनी मुट्ठी में ये फूलों को गिनने के लिए कितना टाइम चाहिए? वाह मदीने के सुल्तान, आपसे सवाल हुआ आसमान के तारों का कि इन तारों जितनी किसी की नेकियां हैं, मेरे नबी ने पल भर में हाँ करके बता दिया कि तुम इतने से फूल इतनी देर में नहीं गिन सकते, मैं मोहम्मद ने आसमान के सितारों को गिन लिया।
मेरे नबी ने फरमाया हां हैं किन्हीं ने किया। आका किसकी? फरमाया उमर की। तो मेरे नबी ने फरमाया हां, इससे पता चला नबी को तारों का इल्म है। मेरे नबी ने फरमाया उमर की ने किया, तो मेरे नबी को उमर की नेकियों की तादाद का भी पता है। और जिस नबी को आसमान के सितारों की, एक चमकते टिमटिमाते सितारों की तादाद का इल्म है, उस नबी को इधर उधर के हिसाब का इल्म क्यों नहीं हो सकता? फिर मैं क्यों ना कहूं के सबसे ओ के जरा वादा नहीं चाहिए सबसे ओ पी सबसे पी सबसे अपने कोई जबा खामोश नारे बुलंद आवाज से कह दो दोनों मेरे सरकार ने फरमाया हां मेरी प्यारी सो जाए शाह हां हां मेरे उम्र की नेकियां सितारों जितनी है आसमां के तारों जितनी है सगीदा की दिल में ख्याल था कि मेरे अब्बा जी जनाबे सिद्दीक की नेकियों का ऐलान किया जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया ओ आयशा ये तो उमर की नेकियां हैं, रह गई बात मेरे यारे गार की, रह गई बात मेरे सिद्दीक की, तो सुन आयशा सारी उम्मत की नेकियां एक पलड़े पे मेरी सिद्दीक की गार वाली नेकी, दूसरे पलड़े पे पलड़ा मेरे अबू बकर सिद्दीक वाला भारी है। आइए जरा अब पलड़े के ऊपर देखते हैं मेरा सज्जन मेरा साईं, गौर से सुनना। एक पलड़े पे नमाज़ें, एक पलड़े पे हज, एक पलड़े पे ज़कातें, एक पलड़े पे पूरी पूरी उम्मत के सारी जिंदगी के सजदे। एक पलड़े पे जनाबे सिद्दीक की सिर्फ एक ड्यूटी एक नेकी गार वाली नेकी। अब वो गार में किया क्या है? ना तो लंबे चौड़े सजदे, ना लंबे चौड़े तहज्जुद, ना लंबी चौड़ी नमाजें, ऐसे सिद्दीक करते क्या है? को जवाब आता है अपने आका की नामूस, अपने आका की जात की हिफाजत में मैंने ये वक्त गुजारा। पता चला लाखों नमाजें एक तरफ, नबी की नामूस की हिफाजत एक तरफ, अरे नामूस मुस्तफा की हिफाजत वाली नेकी का पलड़ा भारी है।